प्रदेश पुलिस विभाग में जिला हमीरपुर के लिए पुरुष आरक्षियों सहित आरक्षी चालकों व महिला आरक्षियों के पद भरने के लिए साक्षात्कार का आयोजन हो गया है। साक्षात्कार के लिए आरक्षियों ने पुलिस लाइन दोसरका में सुबह 7 बजे रिपोर्ट की। साक्षात्कार 2 दिन तक का चलेगा। पहले दिन में 93 आरक्षियों के लिए बुलाया गया था, जिनमें से 91 आरक्षी साक्षात्कार के लिए पहुँचे हैं। साक्षात्कार के बाद फाइनल लिस्ट जारी होगी। पुलिस विभाग में जिला हमीरपुर के लिए पुरुष आरक्षियों सहित आरक्षी चालकों व महिला आरक्षियों के पद भरने के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया। साक्षात्कार के लिए आरक्षियों ने पुलिस लाइन दोसरका में सुबह 7 बजे रिपोर्ट की। साक्षात्कार 2 दिन तक चलेगा। पहले दिन में 93 आरक्षियों को बुलाया गया था, जिनमें से 91 आरक्षी साक्षात्कार के लिए पहुंचे। साक्षात्कार के बाद फाइनल लिस्ट जारी होगी। हमीरपुर के डीएसपी हितेश लखनपाल ने बताया कि आज भर्ती प्रक्रिया का पर्सनल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि ये प्रक्रिया 2 दिन तक चलेगी और इस प्रक्रिया के लिए 93 आरक्षियों को बुलाया था, लेकिन उनमें से 91 आरक्षी ही साक्षात्कार के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि कल ड्राइवरों का साक्षात्कार होगा। आज पुलिस लाइन में भर्ती प्रक्रिया का जो आखिरी फेज होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। इसमें टोटल 93 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, अभी तक 91 कैंडिडेट्स आए हैं। उनका डॉक्यूमेंटेशन चला है और साथ ही साथ उनका इंटरव्यू भी चला है। आईजी साहब हैं, सीआर के चेयरमैन हैं और 2 SP साहब हैं जो मेंबर हैं और एक कोऑप्टेड मेंबर है। ये 2 दिन चलेगा, आज और कल। कल जो है कल भी बच्चे बुलाए गए हैं और कल ड्राइवर्स का भी कल इंटरव्यू होगा।